नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर नगर ग्रामीण जिला अध्यक्ष विनोद कुमार प्रजापति से बरा स्थित दिव्यांशी गार्डन में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 2022 में सरकार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से बनेगी। वहीं गठबंधन के इशारे पर उन्होंने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव से लिस्ट मांगी है। जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट्स हैं उस हिसाब से सपा के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हालांकि विनोद कुमार प्रजापति ने बताया कि सपा प्रसपा के गठबंधन के संकेत हैं। पूरी प्रसपा मुखिया ने पार्टी हाईकमान का आदेश दिया है, विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ा जाए। वहीं प्रसपा कानपुर नगर ग्रामीण जिला अध्यक्ष विनोद कुमार प्रजापति ने बताया कि सरकार बनने के बाद बेरोजगारी दूर होगी एवं गरीबों के मकान की व्यवस्था व शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। नहीं किन्हीं कारणों से होता है तो उसके लिए आगे की रास्ताएं जो भी होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बैंक करेंगे और निर्देश देंगे। जो निर्देश होगा उससे हम लोग हमारा संगठन काम करेगा। और प्राथमिकता ये भी है कि 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्राथमिकता है और निर्णय भी ले रखा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार में होगी। जिसके साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर रखा है। और ये भी जनता ने भी जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं आज चौपाल बैठकों में जा रहे हैं तो गठन हम लोग सेक्टर बूथों गठन पर बराबर विधानसभाओं के हर गांव ग्रामीण क्षेत्र बैठक कर रहे हैं उन पर भी बड़ी तरह जिस तरीके से हम लोगों के साथ में बहुमत मिलना आंदोलनों के लोग शामिल हो रहे और बूथ सेक्टर के साथ साथ जनपद में भी तमाम पदाधिकारी हमारे शामिल हुए आंदोलनों से तो बड़ी तादाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ग्रामीण अंचल में मौजूद हो रही। निश्चित रूप में 2022 के चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के MLA ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जीत करके आएंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी होंगे। ये जनता ने बताने का काम किया है और चुनाव में भी जनता निर्णय अपना बहुमत पे देगी। सर, ये जो 2022 में जो चुनाव है विधानसभा का, चूँकि आप ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं तो क्या तैयारी चल रही है ग्रामीण में? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देशानुसार हमारे यहाँ 5 विधानसभाएं हैं, महाराजपुर, घाटमपुर, कल्याणपुर और बिल्हौर। 5 विधानसभाओं में हमारे जिले की कमेटियां सारी बन चुकी हैं, पूर्व में जो राष्ट्र प्रदेश कार्यालय में हमने पहुंचा दिए। 5 विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 5 विधानसभाओं के गठन भी हमारे हो चुके हैं, ब्लॉकों के भी गठन हो चुके हैं, वार्डों के करीब जो है हमारे यहाँ 37-38 वार्ड हैं जिसमें कल्याणपुर और महाराजपुर में दोनों वार्ड मिला के 37-38 वार्ड हैं। और इसके बाद में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का जो निर्देश है कि 2022 के चुनाव को लेकर के तो हमारे यहाँ सेक्टर बूथों का गठन चल रहा है। सभी 5 विधानसभाओं में हमने प्रभारी सह प्रभारी बना दिए हैं अपने ग्रामीण में और उन टीमों के माध्यम से विधानसभा के सेक्टर और सेक्टर के साथ साथ बूथ प्रत्येक बूथ पे 15 पदाधिकारी होंगे और उनके द्वारा चुनाव की तैयारी देखी जा रही है और आगे चुनाव कराने का काम करेंगे। सर, ये सब पार्टियाँ चुनावी तैयारी में लगी हैं, कमर कस ली हैं, सपा और प्रसपा को लेके कुछ गठबंधन के संकेत और बहुत सी जनता आस लगाए बैठी है तो इसमें चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं तो इसमें पार्टी की तरफ से क्या निर्देश है? प्रसपा की तरफ से कुछ ऐसा आया है कि यहाँ सपा और कुछ इस तरह का? ये देखिए, जो सपा और प्रसपा गठबंधन की बात है तो यहाँ तक कि चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग हों, हर कार्यकर्ता चाहता है कि आपस में सामंजस्य हो जाए, गठबंधन हो जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी प्राथमिकता है उनकी कि हमारे